हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। तो गाइस हम बात करने वाले हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ जो है रेगल टॉस से रिलेटेड। तो गाइस कल रेगल टॉस ने अपने इंस्टा स्टोरी पे अपने फेक एक रिलेशनशिप के जो रूमर्स है उसे क्लैरिफाई किया, आप खुद देख सकते हैं। तो गाइस हमारी अगली न्यूज़ है मांबा से रिलेटेड। तो गाइस कल मांबा ने अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट किया, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं स्ट्रीम कर रहे थे, एंड साथ ही उन्होंने एक स्पेशल वीडियो जो आज अनाउंसमेंट होने वाली है या फिर आ भी सकती है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस क्या चल रहा है, आई होप आप सब लोग सही हो गए, बढ़िया हो गए। सॉरी कि मैं 4 दिन से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा, बहुत बिजी था आप लोगों को पता है किस चीज़ के साथ, लेकिन कल दोबारा से स्ट्रीम रिज्यूम होगी मेरे चैनल पे। और कल का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, किस लिए स्पेशल है आप लोगों को कल ही पता चल जाएगा मेरी चैनल पे जब स्ट्रीम होगी और कल इंस्टाग्राम अपलोड से भी। तो दोनों जगह देखिएगा, स्टे ट्यून रहिएगा, एंड गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस। तो गाइस हमारी अगली न्यूज़ है घातक से। तो गाइस घातक भाई ने अपने कम्पिटिटिव लीव करने की बात की है, एंड शायद वो इस साल छोड़ सकते हैं एंड मैनेजर का रोल ले सकते हैं TSM Entity में। तो गाइस उन्होंने क्या कहा आप खुद देख सकते हैं। रितेश कुमार, थैंक यू सो मच फॉर 40, व्हाट अबाउट ड्रीम टीम, घातक स्काउट जॉनी जल्दी, नहीं ब्रो आई एम नॉट इन माय ड्रीम टीम। मैं अभी शायद मेरा ये 2020 के बाद मैं खेलना छोड़ दूं, फुल टाइम मैनेजमेंट कोच कोचिंग में घुस जाऊं, मैनेजमेंट या कोचिंग जो भी मतलब हो सकता है, या फिर सीधा कम्युनिटी में घुस जाऊं, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज में जा सकता हूं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, अभी हमारे नीरव सर क्या बोलते हैं पता नहीं, बट यस जब मैं खेलना छोड़ दूंगा तब जितना लोगों को हो सके मैं हेल्प करूंगा। जो अपने तो गाइस हमारी अगली न्यूज़ है जोनाथन से रिलेटेड। तो गाइस जोनाथन ने बताया वो पहले किस क्लैन में थे एंड उनकी जर्नी कैसी रही TSM Entity तक। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया। मैं कैसे मिला अगेंस बताया आपको, मेरा पहला स्टार्टिंग में था स्कल क्लैन में, ठीक है, मैं वो टाइम पे खेलता था iPhone 5S में, ठीक है, 5S पे चालू किया खेलना, बस खेला, फिर मेरे को भाई देखा इन लोग, मतलब पहले वो टाइम पे मैं इन लोग को देखता था चाइनीज़ लोग को, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही चाइनीज़ लोग को देखता था भाई, गेम चिपक गया है लोग, नाइस गेम ब्रो, तो उन लोग भाई ये सब देखता था, कॉम्पिटिटिव होता था, सो मैं किससे खेला, मैं स्कल क्लैन से खेला, फिर स्टार्टिंग में PMC हुआ, तो ये कौन सा था, ये फॉल्ट स्प्लिट था ना, वो था कौन सा स्प्लिट था क्या मालूम, तो उसमें खेला हम लोग, एक पॉइंट से रह गया लैंड पे, तो मेरे को मेरा गेम प्ले प्ले देखा घातक ने, तो घातक ने इनवाइट मतलब अरे जॉनी भाई पहला था PMIT में भाई, पिक की वजह से भाई हम क्वालीफाई नहीं कर पाए, सीधा भाई 500-400 पिक पर। हेलो भाई, अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, क्या हो रहा है भाई, एनिमी डाउन, नो मर्सी, ओ भाई, अरे क्या हो गया बुआ, अरे जोनाथन आया मैच में भाई, अबे एंटिटी जोनाथन वे, ओ भाई ये कहाँ से आ गया। तो फिर उसके बाद हम खेले PMIT के लिए, पहले PMIT नहीं हो पाई क्वालीफाई, तो हमारा हुआ ESL। जोनाथन भाई, जोनाथन भाई एक बार दे दी गल। अरे भाई यार कसम से कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं भाई, रोज सारी चीज देखता हूं, अरे शूट ही नहीं हुआ मां कसम, रुको गाइस आपको बता दूं, फिर बाद में हम लोग का हुआ ESL, पहली बार तो नहीं हुआ हम लोग का, फिर दूसरे बार में झटक से हो गया, तो हम लोग FUB में, मतलब FUB के लिए हो गया था, तो दूसरे बार किए हम क्वालीफाई हो गए, तो फिर उधर से चालू हुआ बूम बाम, फिर पेलम चालू,
तो गाइस हमारी अगली न्यूज़ है 8bit ठग से रिलेटेड। तो गाइस कल 8bit ठग ने चैरिटी स्ट्रीम करी थी जो दो दिन की, उसमें टोटल अमाउंट 17 लाख रुपीस कलेक्टेड हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आई थिंक वी रेज्ड 17.50 लाख समथिंग, सो ऑल थैंक्स टू यू एंड एज यू ऑल नो आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस साथ ही उन्होंने एक इंस्टा पे स्टोरी अपलोड की जहाँ पे उन्होंने बताया जो बिना परमिशन के हाइलाइट्स या फिर क्लिप्स यूज कर रहे हैं उस पर स्ट्राइक आ सकती है, आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारी अगली न्यूज़ है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से। तो गाइस कल बहुत सारे डिस्कशन देखने को मिले हमें 8bit ठग के चैरिटी स्ट्रीम में। तो गाइस आपको मैं वो पार्ट्स दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्लस टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और स्काउट ने कल क्या बोला एट द एंड, मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे स्ट्राइक ना मिले क्योंकि मुझे भी परमिशन नहीं है, इसलिए थोड़ा रिस्क लेके मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। अभी हम लोग एज ए गेमिंग कम्युनिटी लोग बोलते थे कि यार गेमिंग में क्या ही रखा है, तो आज हम लोग ने एक बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है यूनाइट होके कि गेमर्स खाली मतलब बोलते ना टाइम पास नहीं करते हैं, बोलते कि यार तुम सिर्फ गेमिंग करो कुछ नहीं करो, भाई हमने भी आज यूनाइट होके दिखाया कि नहीं हम लोग यूनाइट होते हैं। तो यस वी स्टैंड फॉर आवर कंट्री और गेमिंग एक बहुत बड़ा करियर एज अ करियर लोग ले सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं अपना करियर, तो ये हम लोग ने आज प्रूव किया है। और रही बात दूसरी की, जितने भी हेट्स जो होते थे कि तुम इससे जो वर्सेस वर्सेस वाला सीन चलता, तो आज एंड हो रहा है जहाँ सब लोग देख सकते हो।